आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोग तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी लॉन्च करती रहती है अपने नए नए स्कूटर। जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप ने अपने दो नए स्कूटर लॉन्च किए, पॉइस NX120 और ग्रेस इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइस के बारे में, डिटेल में बात करूँगा इस बारे में कि पॉइस NX120 के अंदर कंपनी क्या क्या देती है, मतलब प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, रेंज और क्या सब्सिडी मिलती है, नहीं मिलती, मैं सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग जानना है या आप लोग लेने के लिए प्लानिंग कर रहे थे 130 से 150 किलोमीटर तक की रेंज वाला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नया बिल्कुल, तो भाई ये वीडियो पर एंड देना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे आराम से, तसल्ली बख्श के। तो भाई चाय वगैरह ले लो या जो आपको लेना है ले लो, क्योंकि थोड़े डिटेल में बात करेंगे। बाकी अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेस पर चाहिए, आपके स्क्रीन पे एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसका कलर चेंज कर देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस से मिलती रहे, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता ना, इसलिए मोटिवेशन दे दो थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा संदीप महेश्वरी जैसा लग सके। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पॉइस NX120 के बारे में। और अगर मैं पॉइस NX120 के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2200 वाट का पावर जनरेट करने वाली मोटर मिल जाती है, जो कि बिल्ड एसी मोटर होती है, ऑब्वियस सी बात है। और कंपनी क्लेम करती है कि इस स्कूटर की जो बैटरी है 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज होती है। और अगर मैं ब्रेकिंग को लेकर बात करूँ पॉइस NX120 की, तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको डिस्क मिल जाते हैं। और इस स्कूटर की चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि इसकी जो रेंज है 30 से 150 किलोमीटर तक की है, वो आपको चलाने पर डिपेंड करता है, वो आपकी राइडिंग मोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पॉइस NX120 की फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको CBS मिल जाता है, मतलब कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, DRLs मिल जाते हैं, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, साथ ही डिजिटल ऑडोमीटर, चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साइड स्टैंड इग्निशन लॉक, FM रेडियो, पैसेंजर बैकरेस्ट, पैसेंजर फुटरेस्ट। अगर मैं इसके इंजन और ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको कंटिन्यूस पावर 1800 वोल्ट की मोटर मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम 2200 वोल्ट तक का पावर जनरेट कर सकती है। अगर मैं पॉइस NX120 की डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है 1900 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 730 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1110 मिलीमीटर की है, और इसका जो व्हील बेस है 1380 मिलीमीटर का है, और इसका जो ड्राई वेट है वो 83 किलोग्राम का है, और जो कार्ब वेट है 102 किलोग्राम का है। ड्राई वेट आपका वो होगा जब आप लोग इसकी बैटरी निकाल दोगे, कार्ब वेट वो होगा जब आप लोग इसकी बैटरी इसके ना डाल दोगे, मतलब आप लोग सबसे बैटरी के वेट लगा सकते हो कि कितनी है। पॉइस NX120 के अंदर बाकी फीचर के साथ LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और LED टर्न हिल लैम्प जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ पॉइस NX120 की, तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर्स की है, और उसकी जो बैटरी की टाइप है वो लिथियम आयन है, और उसकी जो कैपेसिटी है 72 वोल्ट की है, और कंपनी अपनी बैटरी पर 3 साल की वारंटी दे रही है और मोटर पर 2 साल की वारंटी दे रही है। और पॉइस NX120 इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 5 कलर ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि पॉइस NX120 काफ़ी अच्छी फीचर का आता है, अच्छी रेंज प्रोवाइड कराता है, और इस पर आपको वारंटी मिलती है और सब्सिडी मिलती है अल्टीमेटली, क्योंकि इंडिया के स्टार्टअप कंपनी ने बनाया तो भैया गवर्नमेंट के साथ सांठगांठ है, इसीलिए सब्सिडी मिल जाएगी आपको अगर आप लोग सब्सिडी के लिए अप्लाई करोगे तो, क्योंकि सब्सिडी हमेशा अप्लाई करने वाली मिलती है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इस पर सब्सिडी मिली नहीं थी, भैया पहले आप खरीदो फिर अप्लाई कर दो, आपको सब्सिडी मिल जाएगी, समझ गए ना? वो ना इतनी ग्रेजुएशन की है, PG की है, सब बर्बाद है, क्योंकि बिजली के लिए भी सब्सिडी लेनी पड़ती है, पानी के लिए भी, सब चीज़ के लिए सब्सिडी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपने लिया है, बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, हर चीज़ बतानी पड़ती है, उनके दिमाग कुछ नहीं, उनके यहाँ पे गोबर भरा हुआ है, तो भूल जाओ। बाकी अगर आप लोग ये लेते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पर, और भैया लेने से पहले इसकी टेस्ट जरूर ले लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा है, क्योंकि कोई भी आप व्हीकल लो तो बिना टेस्ट राइड लिए कभी मत लेना मतलब ज़िंदगी में। तो आप लोग समझ गए ना कि मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई नया व्हीकल लो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर या बड़ा ट्रक, टेस्ट राइड जरूर ले लेना, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे चलाते हो, या आप लोग समझ जाओ कि चलाने में कैसा फील हो रहा है, लंबे समय तक चलाने में क्या होगा, इसीलिए। बाकी अगर आप लोग लेते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, बस टिंडर पर नहीं हूँ, टिंडर के लिए नहीं है हमारी क्लास, हम मिडिल क्लास के लिए नहीं है टिंडर, इसीलिए। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है किसी बाइक को लेके, गाड़ी को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, तो आप लोग इंस्टाग्राम DM पे पूछ सकते हो, मैं क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस चीज़ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ तो भी आप लोग बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन या रिसर्च करके आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ला दूंगा, ताकि आप लोगों को डिटेल में इन्फॉर्मेशन वो मिल जाए। बाकी अगर आपको बाइक का रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए,
तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो, जो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक कम सब्सक्राइब। तुम दिन बाय, टेक केयर।